पटना का सबसे टॉप मोस्ट एक्सीडेंट आप जब भी सुनेंगे ना तो अटल पथ का ही सुनेंगे। तो सिंपल सी बात है गाइस कि हमारा इलाका छोड़ के हर जगह बारिश होता है, और अभी देखो मौसम एकदम मस्त हुआ है और अभी हर जगह बारिश भी नहीं हो रहा है। बिहार में तो सीन है, कहीं बारिश कहीं धूप कहीं बारिश। गुड मॉर्निंग वर्ल्ड, जय श्री राम, फिर से स्वागत आप लोग मेरे न्यू ब्लॉग में। ये देखो भाई, ये सब टाइम हम लोग गुजर गए हैं, सुबह सुबह उठ के स्कूल जाना 6 बजे टाइम होता था भाई, रात को नहीं निकल जाता था, सुबह में स्कूल भी जाना है। तो भाई कहीं कहीं तो जबरदस्त बारिश हुआ है, इधर देखो पूरा पानी लगा रखा है और हम लोग के घर तरफ तो भाई बारिश का अता पता भी नहीं था। ये देखिए, तो अभी यही हो रहा है हमारे बिहार के तरफ, तभी यही हो रहा है बारिश के मौसम में। यहाँ बारिश हो रहा है, आगे नहीं हो रहा है, आगे हो रहा है इधर नहीं हो रहा है, देखो रोड पे ही पानी लगा है। एक नदी का दरिया है और डूब के जाना है, आग का दरिया नहीं गाइस, पानी का दरिया है। मैं तो पागल है क्या है? भाई देखो, अच्छा हुआ भरा नहीं। सबसे मस्त सवारी घोड़ा ही है भाई, एकदम पानी में तुकड़ुक 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 दौड़ाते रहिए। ये देखो भाई, ये है पटना का अटल पथ, अभी सबसे खतरनाक पथ है ये। क्या स्पीड चल रही है गाड़ियों का यार, और क्या एक्सीडेंट हो रहा है रोज का रोज। और अभी सुबह से चल रहे हैं मरीन ड्राइव भाई, कल रात में जो सीन हम अटल पथ पे देखे ना, इतना खतरनाक सीन था, एक एक गाड़ी वाले जा रहे थे जो 250-300 के स्पीड में जा रहे थे। तो आज गाड़ी कौन चला रहा है? नन्ने चलाएगा अभी, नन्ने। तो चलिए चलते हैं पहले मरीन ड्राइव। तो रात में गाड़ी में इसमें घुस गया पानी, स्विच ही ऑन नहीं हो रहा है। नहीं है क्या? 1 रुपये वाला कोई तेल नहीं है कोई भी? तो नहीं सचाई खाली तो भाई ऑन ही नहीं हो रहा है गाड़ी इसमें पानी घुसने की वजह से। सुरक्षा के तौर पे जो हेलमेट पहने हैं वो आप देख लीजिए। अटल पथ पे चलने का मतलब है ना कि आप अगर 20 के स्पीड में जा रहे हैं तो साला 200 के स्पीड में आके आपको ठोक के जाएगा सब। ये हाल है, अभी तक 200 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गया है अटल पथ पे। देखिए ड्राइवर को पूरा सुरक्षित हेलमेट पहनाया गया है, अभी जो पहने है वो लेबर वाला हेलमेट है। ये ऐसा रोड है जहाँ आए दिन सबसे ज़्यादा 4-व्हीलर वाले एक्सीडेंट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ 200-150 के नीचे चल नहीं रही है, और कोई भी इधर साइड से निकल रहा है उसका पक्का एक्सीडेंट होना ही होना है। अटल पथ पे आगे से ज़्यादा ध्यान पीछे रखना पड़ता है। ये देखिए, पीछे देख के चलिए मिरर में। भाई ये गाड़ी क्यों है? इस गाड़ी को तो चिमनी घोषित कर देना चाहिए, अकेले इतना धुआं छोड़ रहा है। ये देखो फाइनली अभी हम लोग मरीन ड्राइव पे हैं, और सुबह रहता है यहाँ 8-9 बजे के आसपास पूरा खाली मिलेगा आपको, एकदम कुछ भी खुला नहीं रहता है। तो हम चाय का टपरी ढूंढ रहे हैं, कहीं तो कोई एक चाय का टपरी दिख जाए। पीछे था गाइस, छूट गया पीछे। आई थिंक आगे मिलने वाला है। हाय डैम का भाई, अभी है मरीन ड्राइव पे, और ये देखो किस लेवल का काम चल रहा है इधर अंदर, पूरा रोक दिया गया है, पता नहीं क्या बनाया जा रहा है। ये सब पहले जाली नहीं था, अभी फिलहाल जाली लग गया, कोई नीचे भी नहीं जाएगा। तो फाइनली लेवल वाला हेलमेट पहन के पहुंच गए हैं, लेकिन अटल पथ पर चलते हैं तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं लगता है, इसलिए भाई अटल पथ को बहुत अवॉइड करना है, जितना हो सके उतना कर दीजिए अवॉइड।
बहुत पीछे से हम लोग ढूंढते ढूंढते चाय के टपरी पे फाइनली पहुंच ही गए और नन्हे को देखो। तो जो लोग पटना में रहते हैं उनको स्पेशली उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अटल पथ को लेकर। फिलहाल तो ये मैरिन ड्राइव का वीडियो है और यहाँ से जब मैरिन ड्राइव से ये आप लेफ्ट लीजिएगा तो ये अटल पथ चला जाएगा। और यहाँ देखिए कितना भयानक तीन तीन ब्रेकर बनाया गया है इसीलिए। अभी टाउन का ये हाल है ना कि बिल्कुल खाली है, आपको बहुत कम गाड़ी जो फोर व्हीलर दिख रहा है वही ज़्यादातर दिख रहा है। अभी सही है भाई, अगर दिन में आपको कोई काम है टाउन में कर लो, कोई नहीं दिखने वाला। तो बारिश के बाद तो पटना में माहौल बन गया एकदम सब मजाक भाई। कल तो जो रील बन रहे थे ना यहाँ बताऊं क्या आपको, इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और हाँ, हमेशा सावधान रहिए, इस अटल पथ पे सबसे खतरनाक पथ है ये।